Hello dear interlogus viewers, I welcome you all on this channel. Today we are discussing some important MCQs in our solar system that will definitely gonna help you in your exam. So before starting our MCQ session, we will some important facts down about our solar system. So here it is written: there are total 8 planets in our solar system. Solar system are the solar systems 8 planets at present, but 2006 से पहले तक नौ प्लैनेट्स हुआ करते थे 2006 में यम ग्रह यानी कि प्लूटो प्लैनेट को निकाल दिया गया फ्रॉम द कैटेगराइजेशन ऑफ प्लैनेट्स सो वी हैव नाउ एट प्लैनेट्स और इन एट प्लैनेट्स का डिविज़न किया गया ऑन द बेसिस ऑफ रॉक एंड गैस रॉकी प्लैनेट्स आर कॉल्ड इनर प्लैनेट्स एंड गैसिस प्लैनेट्स आर कॉल्ड आउटर प्लैनेट्स रॉकी प्लैनेट्स यानी कि जो इनर प्लैनेट्स होते हैं वो हैवी पार्टिकल्स के बने होते हैं दैट इज़ कॉल्ड इनर प्लान्ट और रॉकी प्लानट्स इनमें आते हैं मैरक्य वेनिस अपना अर्थ और मार्स एंड आउटर प्लान्स में आते हैं ज्यूपिटर जो कि सबसे लार्जेस्ट है सबसे बिगेस्ट है प्लानट ऑफ आवर सोलर सिस्टम फिर है सैटर्न जिसको कि रिंग प्लानट भी कहते हैं यूरेनस एंड नेपचन ओके नेक्स्ट है और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज़ कॉल्ड कॉस्मोलॉजी स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी एंड स्टडी ऑफ सन इज कॉल्ड हेलियोसिसमोलॉजी हु डिस्कवर्ड सोलर सिस्टम निकुलिस कॉपरनिकस निकुलिस कॉपरनिकस हैज़ टोल्ड अबाउट दैट जो सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी और अन्य उपग्रह और प्लानिट्स क्या करते, है? करते हैं रोटेट करते हैं ओके ये निकुलिस कॉपरनिकस ने सोलर सिस्टम डिस्कवर किया था फिफ्टीन थर्टी टू में या बताया था हो गए लॉ ऑफ प्लानट्स ग्रहों की गति का नियम किसने दिया यह आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा लॉ ऑफ प्लेनेट्स इट वॉज जॉन्स कैपलर इट वॉज जॉन्स कैपलर डेंसिटी ऑफ अर्थ इज़ फाइव पॉइंट फाइव टू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड सर्क्यूफरेंस ऑफ अर्थ पृथ्वी का परिधि कितनी है चार हज चालीस हजार पिछहत्तर या फिर ऑलमोस्ट फोर्टी के अगर जीरो फिगर में देखा जाए तो राउंड फिगर में देखा जाए तो फोर्टी थाउजेंड के अप्रॉक्सिट द सन इज़ फिफ्टीन करोड़ किलोमीटर अवे फ्रॉम आवर अर्थ सूर्य से अर्थ की दूरी कितनी है फिफ्टीन करोड़ किलोमीटर नेम द फर्स्ट वुमेन टू रीच स्पेस दैट शी इज वेलेंटिना टेरेशकोवा वेलेंटिना टेरेशकोवा ये रशियन थी एंड फर्स्ट इंडियन वुमेन गॉन इनटू स्पेस शी इज कल्पना चावला कल्पना चावला पहली भारतीय थी जो कि स्पेस में गई थी सो वी गो स्टार्स कलर डिपेंड्स अपॉन तारों का रंग किस पर निर्भर करता है ऑन देयर टेम्परेचर ऑन देयर प्रेशर ऑन देयर एज ऑप्शन ए ऑन देयर टेम्परेचर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं रिलेटेड टू स्टार्स। मोस्ट ब्राइटेस्ट स्टार इज कॉल्ड साइरस जिसको कि हम डॉक स्टार के नाम से भी जानते हैं नियरेस्ट स्टार टू आवर अर्थ हमारे पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है कौन सा सूर्य आई एम सॉरी हमारी पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा है सूर्य ओके सो वी नो दैट सन इज अ स्टार सूर्य एक तारा है सुपरनोवा इज़ एक्सप्लॉयजन ऑफ ए स्टार इज कॉल्ड ओके सुपरनोवा क्या होता है एक्सप्लॉयजन ऑफ ए स्टार तारों का विस्फोटीकरण ओके प्रॉक्सिमा सेंचुरी ये सेकेंड नियरेस्ट स्टार टू आवर अर्थ है हमारे अर्थ के सबसे पास में कौन सा तारा है वो है सूर्य और जो सेकेंड नियरेस्ट स्टार है वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी न्यूक्लियर फ्यूजन हैपेंस इन स्टार्स एंड सन न्यूक्लियर फ्यूजन मीन्स की नाभिकीय सनलैन की प्रक्रिया किसमें होती है ये होती है स्टार्स एंड सन में सन भी एक स्टार है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं शनि और बृहस्पति के कितने चंद्रमा हैं हाउ मेनी मून्स ऑफ सैटर्न एंड जेपिटर आपको पता होना चाहिए 2019 में सैटर्न के कुछ उपग्रह की संख्या में बढ़ोतरी हुई है So, the answer is option number B eighty two and seventy nine means की Saturn के कितने satellites हैं eighty two and Jupiter के seventy nine हैं at present so important points देख लेते हैं largest satellite of Saturn is called Titan Titan क्या है Saturn का सबसे largest satellite है या बिगेस्ट लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है गैनीवेड गैनिवेट जो कि जुपिटर का क्या है उपग्रह है सैटेलाइट है हु डिस्कवर्ड रिंग्स ऑफ सैटर्न मैंने बताया आपको कि शनि ग्रह जो सैटर्न प्लानट है इसके चारों तरफ सात रिंग्स हैं सात वलय हैं जिसकी खोज गैलीलियो ने की थी फ्लोटिंग प्लानट एंड लो डेंसिटी प्लानट इज़ कॉल्ड सैटर्न जो ये सैटर्न है इसका जो डेंसिटी है ये पानी से भी ज़्यादा कम है मीन्स कि इसको पानी पे रखा जाए तो ये एक फ्लोट करने लगेगा मतलब तैरने लगेगा दैट इज़

मार्स के पास मंगल ग्रह के पास दो सैटेलाइट हैं उसके फोबोस एंड डीमोस नेक्स्ट इज स्मॉलेस्ट सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम इज कॉल्ड डीमोस स्मॉलेस्ट सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम इज डीमोस एंड लार्जेस्ट या बिगेस्ट सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम इज कॉल्ड गैनीमेट जो कि जेपिटर का सैटेलाइट है और इस्मॉलेस्ट है डिमोस जो कि मार्स का सैटेलाइट है मार्स इज कॉल्ड रेड प्लैनेट ड्यू टू इट्स प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड इसकी प्रेजेंस की वजह से जो मार्स है ये लाल ग्रह कहलाता है ए वॉल्केनो ऑन मार्स इज़ ओलंपिस मेसी एक ज्वालामुखी है मंगल ग्रह पे उसको ओलंपिस मेसी कहते हैं उसका नाम है ओलंपिस मेसी और एक माउंटेन भी है जो कि हमारे जो माउंट एवरेस्ट है उससे भी तीन गुना बड़ा कह सकते हैं वो है निक्स ओलंपिया एक माउंटेन है वो है निक्स ओलंपिया इसी पे एक वर्ल्ड है ओलंपिस मेसी ये दोनों कहाँ पे हैं मार्स प्लानट पे नेक्स्ट है आपका विच टू प्लैनेट्स रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ओके आपको पता होना चाहिए कि सारे प्लानट्स क्या कैसे रोटेट करते हैं वेस्ट टू ईस्ट करते हैं आवर अर्थ इज ऑल्सो सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी वेनस एंड यूरेनस मतलब कि शुक्र और अरुण ग्रह ये दोनों क्या करते हैं रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो किधर से राउंड करते हैं रोटेट करते हैं वो करते हैं वेस्ट टू ईस्ट इंक्लूडिंग आवर अर्थ ओके सो यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार ट्विन सिस्टर अर्थ सिस्टर इज कॉल्ड वेनस ओके शुक्र ग्रह को हम कहते हैं पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की जुड़वा बहन चमकता तारा सांझ का तारा भोर का तारा ठीक है इसको कहते हैं शुक्र को कहते हैं वेनस को कहते हैं और वेनिस सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है इन आवर सोलर सिस्टम क्यों क्योंकि यहाँ पे 95 परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इस वजह से ये सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है इन आवर सोलर सिस्टम और ये सबसे ब्राइटेस्ट प्लेनेट भी है हमारे सोलर सिस्टम का और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि जो मर्करी और वेनिस है इन दोनों के पास अपना कोई भी सैटेलाइट नहीं है वेनस एंड मर्करी डोंट हैव देअर ऑन सेटेलाइट्स एंड ये भी देखा जाता है कि जो वेनस है शुक्र ग्रह है उस पर सल्फ्यूरिक एसिड पाई जाती है और एक और फैक्ट आपको देखना चाहिए यूरेनस जो कि अरुण ग्रह है ये लाइंग प्लानिट इसको उ, कहते हैं ओके ये लेटा हुआ ग्रह है ठीक है ये तेईस डिग्री पे लेटा हुआ है यूरे यूरेनस डिस्कवर्ड बाय विलियम हर्शल विलियम हर्शल ने यूरनस की खोज की थी मेथेन सी एच फोर मेथेन मैक्सिमम मेथेन यूरेनस प्लानट पर बहुत ज़्यादा है इसलिए इसे ग्रीन प्लैनट कहते हैं दैट्स वाई इट इज कॉल्ड ग्रीन प्लैनेट ओके क्वेश्चन नंबर फाइव इज ट्रेवलिंग स्पीड ऑफ अर्थ पृथ्वी की भ्रमण गति कितनी है आंसर इज सत्ताईस किलोमीटर पर मिनट ट्वेंटी सेवन किलोमीटर पर मिनट पृथ्वी की ट्रेवलिंग स्पीड है अर्थ ट्रैवलिंग स्पीड is 27 km किलोमीटर पर मिनट ओके here are आर सम facts फैक्ट्स ब्लू ग्रीन प्लानट किस कहते हैं अर्थ को कहते हैं क्योंकि इस पर आप अगर अर्थ को देखेंगे तो ब्लू और ग्रीन दिखती है ब्लू किस लिए पानी की वजह से दिखती है इसमें सेवेंटी वन परसेंट वाटर है और ये अपने एक्सिस पे बैंड है कितने ट्वेंटी थ्री एंड हाफ साढ़े तेईस डिग्री है उसके बाद झुकी हुई है उसके बाद ये रोटेट कैसे करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ओके और कौन से दो सैटेलाइट्स कौन से दो प्लेनेट हैं जो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करते हैं रोटेट करते हैं वो है आपके यूरेनस एंड फेनस हमने प्रीवियसली डिस्कस किया हुआ है पेरी किसको कहते हैं और एपहेलियन किसको कहते हैं पेरी जब पृथ्वी के समीप सूर्य सूर्य के समीप पृथ्वी आती है वो कब आती है तीन जनवरी को और एपहेलियन कहते हैं चार जुलाई जब वो सबसे दूर की स्थिति पे होती है पृथ्वी जब सूर्य से सबसे दूर की स्थिति पे होती है वो चार जुलाई को एपहेलियन ठीक है इसको कहते हैं यूरी गैगरिन फर्स्ट इंटर स्पेस फर्स्ट पर्सन कौन था जो स्पेस में गया था वॉज यूरी हेली कॉमेट है ये हेली धूम के तो होता है एक ये सेवेंटी सिक्स ईयर्स में एक बार दिखाई देता है ठीक है और सनलाइट जो है वो अर्थ पर कितने टाइम में आती है एट मिनट्स सिक्सटीन सेकेंड्स में और मून लाइट वन पॉइंट टू एट सेकेंड्स में ओके वन पॉइंट टू एट सेटेलाइट जो हमारे अर्थ का है वो है मून ओके सेटेलाइट हमारे अर्थ का है वो है मून अब यहाँ पे हम कुछ डेज या ईयर्स देख लेते हैं टाइमिंग देख लेते हैं कौन से प्लानट की कितनी टाइमिंग होती है रोटेशन की मेरक्योरी की होती है एटी एट डेज़ में वेनस होता है ट्वेंटी टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव डेज़ में अर्थ की थ्री सिक्सटी फाइव पॉइंट टू फाइव डेज़ मार्स की सिक्स एटी सेवन डेज़ जुपिटर की एलेवन पॉइंट नाइन ईयर्स सैटोन की ट्वेंटी नाइन पॉइंट फाइव ईयर्स यूरेनस की एटी फोर ईयर्स नेपच्चून की वन सिक्सटी फोर पॉइंट एट ईयर्स ओके इसमें आपको पूरे ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है आप मैरक्यूरी की याद कर सकते हैं और अर्थ की याद कर सकते हैं बस और वेनस इन मार्स की मोस्ट इंपॉर्टेंटली एंड अर्थ है नेक्स्ट हम देखते हैं सूर्य से ग्रहों की दूरी का क्रम कितना है क्या है ऑर्डर ऑफ प्लैनेट्स डिस्टेंस फ्रॉम सन सो ऑप्शन नंबर ए मैरक्यूरी वेनिस अर्थ मार्स जुपिटर सैटन यूरेनिस नेपच्यून ये होता है सूर्य से ग्रहों की दूरी का क्रम मतलब कि पहले मैरक्यूरिया आएगा फिर वेनिस फिर अर्थ फिर मार्स फिर जूपिटर फिर सैटर्न फिर यूरेस फिर नेपच्यून लास्ट में सो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर एंड अगर देखा जाए कि सन के सरफेस का टेम्परेचर पूछता है तो अप्रोक्सीमेटली सिक्स थाउजेंड डिग्री सेंटीग्रेड होता है छः हजार डिग्री सेंटीग्रेड उसका सरफेस टेम्परेचर होता है किसका सन का नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिचुएशन ऑफ सोलर एक्लिप्स सूर्य ग्रहण की स्थिति कौन सी स्थिति में सूर्य ग्रहण होता है यह होता है जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है ठीक है तो यह सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है सिचुएशन ऑफ सोलर एक्लिप्स सन मून एंड अर्थ सोलर एक्लिप्स हैपन्स ड्यू टू हाई टाइड एंड फ्लड टाइड ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ जो पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं उसके कारण भाटा आते हैं टाइड्स आते हैं सो so, इसकी वजह से क्या होता है कि सूर्य ग्रहण एंड चंद्र ग्रहण की स्थिति बनती है सोलर एंड लूनर एक्लिप्स ये देखिए लूनर एक्लिप्स में सन और मून के बीच में क्या आ जाता है अर्थ आ जाता है ठीक है सन कभी भी बीच में नहीं आता है जो सोलर एक्लिप्स होता है उसमें मून बीच में आ जाता है और लूनर में चंद्र ग्रहण में अर्थ आ जाता है बीच में ठीक है नेक्स्ट है अरेंज द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्लैनेट्स ग्रहों का आकार घटते क्रम में व्यवस्थित करना है ऑप्शन नंबर ए जिपिटर सैटन यूरेनस नेपच्यून अर्थ विनिस मार्स मर्करी ये है आपका जो शेप के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो कौन सा सबसे छोटा है और कौन सा सबसे बड़ा कह सकते हैं कि सबसे बड़ा होगा आपका जिपिटर अकॉर्डिंग टू शेप एंड अकॉर्डिंग टू शेप सबसे छोटा होगा मैर् क्योंकि लास्ट में है ऑप्शन नंबर ए में आप देख पा रहे होंगे कि जूपिटर है उसके बाद उससे छोटा है सैटर्न उससे छोटा यूरेनस उससे छोटा है नेपच्यून उससे छोटा है अर्थ उससे छोटा है वेनिस उससे छोटा है मार्स फिर है लास्ट में मेरक्यूरी मैर्यरी क्या है आपके सबसे छोटा ग्रह है बुद्ध जिसको के कहते हैं इराटोस्थनीज टोल्ड अबाउट द सर्क्यूफेरेंस ऑफ अर्थ जो हमारा अर्थ का सर्क्यूफेरेंस किसने मेजरमेंट किया था एरेटोस्थिनीज ने किया था एराटोस्थिनीज को हम फादर ऑफ जियोग्राफी भी कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वॉट इज द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है भागीरथी मिल्की वे मैथिली मेखला गंगा सो ऑप्शन नंबर बी इज़ योर करेक्ट आंसर मिल्की वे जिसको कि हम आकाश गंगा भी कहते हैं ओके okay? हमारी जो गैलेक्सी है हमारी उसका क्या नाम है मिल्की वे ठीक है सो जो ये गैलेक्सीज होते हैं इनके फोर टाइप्स होते हैं स्पायरल एलिप्टिकल पैक्यूलियर एंड इरेग्यूलर ओके द नियरेस्ट गैलेक्सी टू आवर मिल्की वे इज़ एंड्रोमेडा एंड्रोमेडा हमारी जो गैलेक्सी है आकाश गंगा या मिल्की वे उसके सबसे नीयरेस्ट है ये ओके okay? ये है एंड्रोमेडा बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी हु गिव बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमैथ्रे जॉर्ज लेमेथ्रे हैज़ गिवेन बिग बैंग थ्योरी In 1927, he discovered and gave theory about Big Bang theory. The way the universe began, it is the idea that the universe began as just a single point, then expanded. This is called Big Bang theory, and it was given by George Lemaitre in 1927. Which Indian gave theory about black hole? Kis black hole It was option number B, S. Chandrasekhar. Okay subramanyam chandrasekhar has told about theory of black hole a black hole is a region of space-time where gravity is so strong that nothing no particles or even electromagnetic radiation such as light can escape from it okay this is the theory of about black hole next question is which indian gone to space for the first time konsa bharti and trikshmi gaya ऑप्शन नंबर बी राकेश शर्मा राकेश शर्मा पहली बार अंतरिक्ष में गए राकेश शर्मा बिकम द फर्स्ट इंडियन टू गो टू स्पेस ऑन थर्ड ऑफ अप्रैल 1984 और उन्होंने वहाँ पे सेवन डेज ट्वेंटी वन आवर्स एंड फोर्टी मिनट्स क्या किया स्पेंड किया ओके okay? वो वहाँ पे सात दिन इक्कीस घंटे तरा चालीस मिनट तक वहाँ पे रहे थे तीन अप्रैल उन्नीस में वो नाइनटीन में गए थे नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ थर्टीन नंबर पुच्छल तारा की दिशा क्या होती है वॉट इज़ द साइड ऑफ ए कॉमेट यह आप कॉमेट फिगर में देख पा रहे होंगे सो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर अपोजिट ऑफ सन सूर्य की दिशा के विपरीत में ये होते हैं पुच्छल तारा उसकी टेल जो होती है जो कॉमेट की टेल होती है वो होती है और आपको पता होना चाहिए इससे रिलेटेड एक फैक्ट कि जो हेली कॉमेट होती है एक कॉमेट का नाम है हेली वो सेवेंटी सिक्स ईयर्स में एक बार हमें दिखाई देती है और कॉमेट क्या होता है an ऑब्जेक्ट इन स्पेस दैट लुक्स लाइक a ब्राइट स्टार विद अ टेल एंड दैट मूव्स अराउंड द सन ओके अपोजिट ऑफ द सन इसकी जो डायरेक्शन होती है जो इसकी टेल होती है वो अपोजिट टू द सन होती है ओके okay? नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द डायमीटर ऑफ अर्थ पृथ्वी का व्यास क्या है ओके सो ऑप्शन नंबर सी विल बी ऑर करेक्ट आंसर सेवन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एटीन माइल्स ओके डायमीटर ऑफ अर्थ इज सेवन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एटीन माइल्स दैट इज्रॉस अप्रॉक्सिमेटली बारह हजार सात सौ बयालीस ट्वेल्व थाउजेंड सेवन फोर्टी टू किलोमीटर क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन वॉट परसेंट ऑफ टोटल मून वी कैन सी फ्रॉम अर्थ पृथ्वी की सतह से चंद्रमा की कुल सतह का कितना प्रतिशत दिखाई देता है ऑप्शन नंबर बी फिफ्टी नाइन परसेंट सी फ्रॉम आवर अर्थ ओके सो so, हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं कि रोमन गॉड ऑफ़ वॉर किसको कहते हैं कौन से प्लानट को मार्स को कहते हैं मूनस ऑर्बिट जो होती है विच टेक्स ट्वेंटी सेवन डेज सेवन आवर्स एंड फोर्टी थ्री मिनट्स जो मून की ऑर्बिट होती है उस पर वो रोटेट करता है वो कितने दिन लेता है वो ट्वेंटी सेवन डेज लेता है ओके okay? अगर पूछा जाए कि सी ऑफ ट्रैंक्वालिटी कहाँ पे है वो है मून पे जैसे हमारी पृथ्वी तीन सौ पैंसठ दिन लेती है उसी तरीके से जो मून है वो अपनी ऑर्बिट पे सत्ताईस डेज लेता है जैसे हमारी पृथ्वी चौबीस घंटे लेती है उस तरीके से भारत ने इसरो मंगल मिशन मॉम का कब लॉन्च किया था ठीक है वेन डिड इंडिया लॉन्च मॉम मिशन ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर पांच नवंबर 2013 को फाइव नवंबर 2013 को भारत ने या इसरो ने मंगल मिशन मॉम को लॉन्च किया था हेयर आर सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स मार्स ऑर्बिटर मिशन मॉम इन शॉर्ट फॉर्म द मेडिन इंटरप्लैनट्री मिशन ऑफ इसरो लॉन्च ऑन नवम्बर फाइफ्थ टू थाउजेंड थर्टीन बाई पी एस एल वी सी ट्वेंटी फाइव गॉड इंसर्टेड इन टू मैरिटिन ऑर्बिट ऑन सेप्टेंबर ट्वेंटी फोर टू टू थाउजेंड फोर्टीन इन इट्स फर्स्ट अटैम्प्ट ओके मार्स पे ये लॉन्च किया गया था पाँच नवंबर दो हज़ार तेरह को और इसने मार्शियन ऑर्बिट में इंसर्ट किया गया था मतलब ये हुआ था चौबीस सितंबर दो हज़ार चौदह को ये अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में बाई इसरो हुआ था ओके क्वेश्चन नंबर सेवनटीन नेम द प्लानट विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वेल्ड और अनक्लियर प्लानट उस ग्रह का नाम बताइए जिसे कवर्ड या अस्पस्ट ग्रह कहते हैं द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी वेनस ओके वेनस इज सराउंड सराउंडेड बाय थिक क्लाउड कवर दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड वेल्ड प्लानट ओके इसके आस पास बहुत ही थिक बादल का जो कवर होता है इस वजह से ये क्या होता है अनक्लियर होता है

क्यों क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं हाइड्रोजन इसमें सेवेंटी वन परसेंट होता है और हीलियम इसमें होता है ट्वेंटी सिक्स पॉइंट फाइव परसेंट ओके हाइड्रोजन की वजह से ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है ओके सो हेयर इट इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू विच प्लैनिट इज़ कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनिट किस ग्रह को बोना ग्रह कहते हैं एंड यूल गिव मी यू ऑल गिव मी The correct answer of this question in our comment section. Thank you so much and for free PDF join our telegram channel at the rate interloggers. Thank you for watching.